हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस। जैसे कि हम हर बार सीखते हैं, हफ्ते में एक दो वीडियो हमें मिली जाती हैं आउटलाइन से रिलेटिव, तो आज वही वीडियो है। इसमें देखते हैं कि ये जो वर्ड हमने बनाए हैं इनको हम किस तरह से लिखेंगे। तो ये कुछ वर्ड हैं, जैसे कि मैंने आउटलाइन बनाकर रख ली है और मैं इसको अब हिंदी में ट्रांसलेट करता जाऊँगा। जैसे कि पहला वर्ड है, सा का आंकड़ा लगाया है, वा बनाया है, इसमें धा को कट करके लिखते हैं और ये हल्का सा पा में रा का आंकड़ा लगाकर निकाल दिया है, तो ये क्या पढ़ाएगा, पूर्वक, और ये हो गया सुविधा। तो क्या हो गया, ये सुविधा पूर्वक। ठीक इसी तरह से आता है, पा में रा का आंकड़ा लगाया है इस तरह से और ये नीचे तक निकाल दिया। ये देखो, ये पा में रा का आंकड़ा लगा हुआ है और ये नीचे तक निकाल दिया, इसमें बा भी सम्मिलित हो गया और ये मा और ता का आंकड़ा, तो ये बन जाएगा प्रति, ये बा भी आ गया, बिंबित, प्रतिबिंबित। क्या पढ़ेंगे इसको, प्रति बिंबित, ये इस तरह से लिखा जाएगा, प्रतिबिंबित। फिर आता है, देखो चा में ला का आंकड़ा लगा है इस तरह से और ये त्रय, तो च ला चल त्रय, चलचित्र। क्या पढ़ेंगे हम इसको, चल चित्र। इसी तरह से ये देखो, ये तो साफ दिख रहा है, ये 19 बना, जैसे कि हम मैथ में बनाते हैं, ये वाह है इसके नीचे और ये शताब्दी की आउटलाइन है, तो क्या हो जाएगा, ये 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। ठीक है, फिर आता है, देखो ये ता है, रा और ये धा, उत्तरार्ध, चाहे तो यहां उनकी मात्रा का यूज कर सकते हैं, उत्तरार्ध। क्या पढ़ेंगे इसको, उत, और ये हल्का सा निकाल देती हूं, उत्तरार्ध। ये देखें, ये वा बना है, फिर एक नीचे वा बना है और ता का लगा है आंकड़ा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, विश्व विख्यात। क्या पढ़ेंगे, ये विश्व विख्यात की आउटलाइन है, विश्व विख्यात, इस तरह से हम लिखेंगे इसको, विश्व विख्यात। फिर आता है, देखो एक की मात्रा लगी है, टा भी पढ़ेंगे इसको, डा भी पढ़ेंगे, एडी सा, और ये मां को कट करके लिखा है, यानी कि ना पढ़ा जाएगा, तो क्या होगा, एडिसन, या फिर इसको रिंग में बंद करके ए और डी बनाते हैं, क्योंकि एडिसन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, तो आराम से आप इसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये नाम हर किसी को लगभग याद है, एडिसन, एडिसन। एक चीज मैं हर वीडियो में अपने जो आउटलाइन बताता हूं उसमें एक चीज कॉमन रहती है, मैं ये जरूर बताता हूं कि हमें हिंदी का वर्ड लर्न होना चाहिए, यानी कि हमें हिंदी में जो लिखा है ये अगर हमें पता होगा तो अगर हम उसको कुछ हिंट्स भी दे देंगे शॉर्ट हैंड में, ये जो हमने आशुलिपि में लिखा है, संकेत लिपि में, तो हम उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे कि ये लिखा है विश्व विख्यात, तो जब हमारा सेंटेंस चलता है तो हमें पता चल जाता है किस बारे में बात हो रही है, तो वा और ये खा, यानी कि एक बहुत फेमस वर्ड है विश्व विख्यात, बहुत आता भी है, तो इसकी आउटलाइन है, वा बनाएंगे, वा में दूसरा वा इसके नीचे और ता का आंकड़ा, इस तरह से। अगर ये हमें, ये वाला वर्ड अगर हमें पूरा याद है तो हम इसको आसानी से पढ़ लेंगे, अगर जब हमें यही याद नहीं होगा तो हम ये कभी भी नहीं पढ़ सकते। तो ध्यान रहे कि हिंदी में वर्ड हमें पता होना चाहिए। ये क्या, देखो ला बनाया है ये और मा में रा का आंकड़ा, लमन, अब ये क्या, ब ना धा और यहाँ का आंकड़ा ओ की मात्रा, बंधुओ। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट है, दो भाई हैं, ल्यूमर बंधुओ, तो ल्यूमिर है उनका नाम, तो हमें नाम अगर सही से पता होगा तो हम इसको सही से लिख सकते हैं, ल्यूमिर बंधुओ, इस तरह से, ल्यूमिर बंधुओ। तो ये क्या है, ल्यूमिर बंधुओ की आउटलाइन है। अब देखो एक वर्ड आता है, ये मैंने अपने पास से खुद से बनाने की कोशिश की है, शायद आपको अच्छे लगे या समझ आए, क्योंकि इजी है वर्ड, बहुत बड़ा है, सा का आंकड़ा लगाया, ये माँ को थोड़ा बड़ा कर दिया, यहाँ पर कट लगा दिया, चाहे तो आप लगाएं चाहे तो ना लगाएं, और ये यहाँ पर जी बना दी, जिस तरह से ये इंग्लिश में बनाते हैं हम स्मॉल लेटर में जो जी बनाते हैं, तो ये क्या पढ़ेंगे हम, एक वर्ड आता है सी ने मैटोग्राफी। अभी इतना बड़ा वर्ड है,
अगर ये वर्ड हमें याद होगा तो हम इसको आसानी से पढ़ पाएंगे, अगर याद नहीं होगा तो फिर हम इसको आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे। फिर याद आ, देखो ये क्या लिखा है, ये मैंने जैसे कि इंग्लिश में डब्लू बनाते हैं उस डब्लू का यूज क्या है, और ये बामे रा का आंकड़ा और सा ब्रदर्स लिखा है, ये ब्रदर्स लिखने की कोशिश की है, तो ये क्या होगा वार्नर ब्रदर्स, कैसे लिखेंगे इसको वार्नर इस तरह से लिखेंगे और ब्रदर्स, ये वार्नर ब्रदर्स। इसी तरह से आता है, देखो ये जा बनाया है, इसको जा को थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है, इसमें दो जा है, सा का आंकड़ा लगाया है इस तरह से और गामे रा का आंकड़ा लगाया है, चाहे तो इस जा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नीचे तक निकाल देंगे यूं क्योंकि इसमें दो जा है, फिर सा का आंकड़ा लगाएंगे इस तरह से और ये गामे रा का आंकड़ा यूं, और ये ना का एक प्रतीक जाज सिंगर, क्या पढ़ेंगे इसको जाज सिंगर, ठीक। फिर आता है ये, देखो ये बात आ, ये देखो मैं यहां बना देता हूं, ये लिख यहां देता हूं, बना के यहां दिखा देता हूं क्योंकि नीचे शायद ना दिख रहा हो, ये बाका आंकड़ा लाएंगे इस तरह से और इसको लाइन से नीचे तक निकाल देंगे यूं, तो ये शब्द चिन्ह बन जाता है बावजूद का, क्या पढ़ेंगे इसको बावजूद, ठीक है। फिर आता है ये लिखा, देखो ये हल्का सा आ निकाल दिया है पहले ही और ये हा, और ये ता बनाया है, फिर कामे रा का आंकड़ा, ये क्या जाएगा अहित का, क्या पढ़ेंगे इसको अहित कर, अहित कर। फिर इसी तरह से आता, देखो आ पा, और देखो इसमें दो आपको रिंग बनी हुई दिख रही है, किस तरह से बनाया इसको देख लें, इसको किस तरह से बनाया गया, ये आ पा आ बनाएंगे यूं, पा बनाया यूं, और ये सा का आंकड़ा इस तरह से लगाया, फिर इस तरह से घुमाकर ये आठ जैसे बनाते हैं, और इसमें क्या करा है ये कामे रा का आंकड़ा और ये ता का आंकड़ा, ये क्या हुआ अपसंस्कृत, इस पर बिंदी लगा दी अपसंस्कृति, कैसे लिखेंगे इसको हिंदी में अप संस्कृति, ठीक है। फिर आता है ये, देखो आ सा और इसमें ला निकाल दिया, ला को बड़ा कर दिया, इसमें दो ला गए और एक ता, अश्लीलता अश्लीलता, ठीक। फिर इसी तरह से आता है पा बनाया है, इसी में हा निकाल दिया है और ये ला भी इसमें आ गया, और या का आंकड़ा ओ की मात्रा पहलू, क्या पढ़ेंगे इसको पहलू, ठीक है। फिर आता है देखो पा वा और ये दादा पे ई की मात्रा और ये ना का प्रतीक पावंदी, क्या पढ़ेंगे इसको पावंदी, ठीक है पावंदी। अब देखो ये नीचे लिखा है, शायद ऊपर ना दिख रहा हो तो मैं इसको बनाकर यहां दिखा देता हूं इस तरह से, देखो ये ना को बड़ा करके बनाया है यूं और इसमें का लगाया है और इसको सा से कर दिया है कट, ठीक है। तो ये अंतर हो गया का आंतरिक और ये सा से इसको कट कर दिया, तो क्या हो जाएगा ये आंतरिक सुरक्षा, कैसे लिखेंगे आंतरिक सुरक्षा, ठीक। इसी तरह आता है अ वर्ड एक, ये देखो ये पामे रा का आंकड़ा लगाया है इस तरह से यूं, ये पामे रा का आंकड़ा लगाया है, ये बा बनाया है, ये बा ओ की मात्रा है, ताको कर दिया है बड़ा, यानी कि इसमें जुड़ गया तर, तो पर वोत्तर कुछ नहीं होता है, क्या होता है पूर्वोत्तर, क्या होता है पूर्वोत्तर, क्या पढ़ेंगे इसको पूर्वोत्तर, ठीक है। फिर एक वर्ड ये है, देखो ये ना बनाया है बड़ा करके थोड़ा सा, और इसके ऊपर भी बिंदी लगाई है, नीचे भी बिंदी लगाई है, ये विसर्ग का काम करती है, क्यों, क्योंकि ये आउटलाइन बनाई है नी, ये जो विसर्ग आते हैं यहां संदेह, ठीक है निसंदेह, तो इस विसर्ग से, इन दोनों विसर्ग से ये इसकी पहचान हो जाएगी कि निसंदेह लिखा, एक वर्ड आता है निसंदेह, इस तरह से लिखा आता है निसंदेह, कभी कभी ये बोला जाता है, इसको कैसे लिखेंगे देखो सेम ऐसे ना बनाएंगे और इसमें सा का आंकड़ा लगा देंगे और इसमें ऊपर नीचे
वही दो, जैसे ये बिंदी लगाएंगे बस इसमें सा का एक आंकड़ा लगा देना, क्या हो जाएगा निस्संदेह, निस्संदेह और निस्संदेह में ये क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आउटलाइन है, कुछ 20 या 22 आउटलाइन है और बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।